आपने पिछले एपिसोड्स तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो छोटा सा रीकैप करवा देते हैं ताकि आपको मजा आ जाए वीडियो देखने में। तो आपने पहले देखा था फैरो गब्बर को पकड़ लेता है, उसके ऊपर निगरानी करते हैं, फिर वो उसको नॉक करके छोड़ देता है और सोचता है कि टेरर को भी यहीं बुलाकर दोनों की कहानी एक साथ ख़त्म कर देंगे, और वो टेरर को फ़ोन करके यहाँ बुला देता है। पर टेरर उसकी बातों में नहीं आता और साथ ही में गब्बर भी एक डॉक्टर को दिख जाता है और वो गब्बर को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कर देता है और टेरर को भी फ़ोन करके बता देता है। टेरर कालादी गैंगस्टर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ ब्लड ड्रेवन जो टाइटन्स गैंग बनाकर बीजेएमआई पर राज करने का प्लान बनाता है, वो सैनू का किंग बन जाता है और पोसाइडन को भी अपने साथ में मिला लेता है। मीरामार का किंग बनने के लिए उनकी डील हो जाती है। और मैं एक बात तो बतानी भूल ही गया, फैरो का चेला कुकड़ुकू कालादी गैंगस्टर और टेरर की बातें सुन लेता है हॉस्पिटल में, और अब देखते हैं आगे क्या होगा, वो कैसे फैरो के पास उनकी खबर पहुंचाता है और फैरो क्या करेगा। तो स्टोरी स्टार्ट करेंगे उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल ग्लो गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर दबाकर। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं 2021 की बेस्ट अर्निंग ऐप के बारे में, जहां पर आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जहां रजिस्टर करते ही 100 से 150 रुपए तक आप बिल्कुल फ्री में कमा सकते हो और मिनिमम 130 रुपए के आप विड्रॉल भी यहां से कर सकते हो। यहां डेली टास्क कम्प्लीट करके आप 500 रुपए तक कमा सकते हो और यहां पर आपको VIP बोनस भी मिलता है और फास्ट विड्रॉल भी अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड यहां पर खरीदते हो तो आपकी 1236 रुपए की वीकली अर्निंग यहां पर हो सकती है। यहाँ रेफरल की 7 लेयर्स होती हैं, जहाँ पर हर लेयर पर आप 3% रेफरल शेयर भी कमा पाओगे। मजेदार बात इस ऐप की ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये क्या सोच रहे हैं, फेरो बॉस के बस की कुछ नहीं है, शायद ये भूल गए। सबसे पहले फेरो बॉस ही पावर लेकर आए थे यहाँ, और ये कालादी गैंगस्टर गब्बर टेरर एक साथ मिलकर सोच रहे हैं फेरो को हरा देंगे। अभी जाकर इनका सारा प्लान बॉस को बताता हूँ, फिर इनको देखेंगे कैसे मारेंगे हम। बॉस, गब्बर हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है और मैंने टेरर और काला दी गैंगस्टर को बातें करते सुना था वहीं पर कि उन्होंने ही पोसाइडन के कान भरे थे और आपको भी यहां से भगाने का प्लान बनाया था उस गब्बर ने काले के साथ मिलकर। अच्छा, तो वो गब्बर बच गया, मुझे उसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था जब उसको मैंने नॉक किया था, ये गलती हो गई मेरे से। आर्क लॉर्ड तो मेरा पुराना दोस्त है, उसको तो मैं मना ही लूँगा, पर पहले ये साले चुटकुलिये से गब्बर टेरर बीच में बड़े पंगे करवाते हैं, इनको निपटाएंगे। हाँ बॉस, इनका ठीक अलग से ही काम था, सबसे आराम से अपना काम करते थे, पर नहीं, इनको तो उड़ता तीर अपने ऊपर लेना है। उसी तीर का कमाल देखना तू, अब मैं तुझे एक जादू का तीर दूंगा पावर से, जहाँ भी वो हॉस्पिटल में है ना वो गब्बर, उसको तीर मार देना जाकर, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा फिर। ये तो क्रॉसबो है बॉस, पर जादू का तीर तो आपने दिया ही नहीं जो गब्बर को मारना है। अबे ध्यान से देख, इसमें ऑलरेडी रिलोड है वो तीर, पर ये बात ध्यान में रखना, एक ही तीर है, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा तेरा। चल जा, भाग जल्दी से। काला भाई, पता नहीं गब्बर को कब होश आएगा, मेरा तो खून खोल रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि अभी जाकर उस फेरो की गर्दन दबा दूं गन्ना चूस के। अरे ठंड पा, इतना ताकतवर नहीं है तू जो फेरो का सामना कर सके, आराम से चिल कर, देख लेंगे उसको, बस गब्बर को होश में आने दे, फिर सब सही कर देंगे। डॉक्टर ने बोला था 4-5 दिन में होश आएगा, इतना वेट कैसे करें अब यार, गब्बर जल्दी उठ जा मेरे भाई। वो रहे नुबड़े तीनों वहीं पर, हट साले टेरर की औलाद, गब्बर के सामने से हट जा, नहीं तो उसकी जगह आज तू मरेगा मेरे हाथों से। अबे हट जा, हट जा। हट गया, बाय बाय गब्बर, तेरी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना अब कुकड़ुकू बंद करेगा। गब्बर भाई, ये क्या हुआ, अबे किसने मारा ये तीर, मेरे भाई तू नहीं मर सकता, गब्बर 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 उठ गब्बर। वो देख जल्दी कुकड़ुकू, फेरो का चेला, उसी ने ही मारा होगा, जाकर पकड़ उसको, मैं गाड़ी लेकर आया। ओ शिट, उन्होंने देख लिया मुझे, प्लान बी शुरू करने का टाइम आ गया है,
भागो। और टेरर बैठ जल्दी गाड़ी में, वो राज सामने ही भाग रहा है वो गाड़ी में, पकड़ लेंगे साले को। और मार मार गोली मार, गाड़ी फोड़ दे, उसके साथ उसमें वो भी खत्म हो जाएगा। मर गया साला। गब्बर तेरे कातिल को मार दिया मैंने मेरे भाई, पर तुझे नहीं बचा पाया। गब्बर गब्बर तू कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? गब्बर गब्बर गलत किया तूने मेरे भाई, बहुत गलत किया, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता मेरे भाई। रोलो रोलो, अभी तो तुमको खून के आंसू रुलाना है। कुकड़ू कुको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने पहले ही एक बंदा गाड़ी में बैठा रखा था और मैं गाड़ी से कूद गया अपने कपड़े फेंक कर, ताकि वो उनको पहन सके और उनको लगे मैं मरा हूँ। देखा मेरा दिमाग? बेटा हमसे पंगा ना लेना, वरना बर्बाद कर देंगे कसम फेरो की। वापस आ जा मेरे यार, मेरे जिगरी भाई, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है इस रेंगण में, वापस आ जा। और संभालो अपने आप को, जो एक बार आ गया उसको तो जाना ही है, तू मैं सब एक ना एक दिन सबकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। चलो चलते हैं, जो होना था उसको कौन रोक सकता है। पोजीडन भाई, बहुत दिन हो गए, अब तो चलो मीरामार पर भी थोड़ी गुंडागर्दी फैला देते हैं चलकर, वहाँ का भी तो किंग बनना है हमारी टाइटंस गैंग को। अरे वहाँ की को टेंशन लेते हो, वो तो अब है ही नहीं किसी का, चलो चलकर किंग ही बनना है बस। उधर तो फेरो का था, वो फेरो बेरेंगल में बैठा है, हो गया अपना काम, अब तो चलकर बस टाइटंस गैंग का झंडा फहराना है मीरामार में और बन गए हम किंग। चलो फिर यही कर लेते हैं, गोड जिला को सैनोक में छोड़ देते हैं, ताकि ये सब यहाँ तबाही चालू रखे और कोई दूसरा बंदा यहाँ आकर यहाँ कब्जा ना कर पाए। बाकी हम सब मीरामार चलते हैं। हाँ चलो तुम पहले, मैं तो एक झटके में ही चला जाऊँगा, पर तुम्हारी शक्तियाँ थोड़ी लेट हैं, तुमको टाइम लगेगा आने में, इसलिए पहले तुम चलो। चलो तुम पहले वहाँ पर, मैं गोड जिला मैचा को समझा कर आता हूँ, मीरामार में ही मिलूंगा तुमको फेरो की हवेली पर। फेरो तू यहाँ? रेंगल का किंग बनने का भूत उतर गया क्या? मुझे पता था मेरे दोस्त तुम यहाँ जरूर आओगे, मेरी एक बात सुनो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुमको समझा सकूँ क्या हुआ था। तुम धोखेबाज हो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान जाऊंगा मैं धोखेबाज हूँ। एक बार ये बता दो क्या धोखा दिया है अभी तक तुमको मैंने? इरेंगल में हम साथ में 10 दिन तो रहे हैं, इतने में क्या ही कर दिया ऐसा मैंने जो तुम धोखेबाज बोल रहे हो मुझे? तुमने मेरा फायदा उठाया है। अरे मैं नहीं, फायदा तो उस गब्बर ने उठाया था, उसने गलत गलत बोलकर कान भरे थे तुम्हारे, और पता है वो सब उनका प्लान था हमें अलग करने का और इरेंगल से भगाने का, ताकि हम किंग ना बन पाएं। अगर सके तो दोबारा उस गब्बर से बात करके देख लेना। मैं भरोसा कैसे करूं तुम पर, दोस्त ने दोस्त को धोखा जो दिया है। अरे यार तुम समझो तो सही, मैंने पूरी असलियत पता लगा ली उनके प्लान के बारे में, वो प्लान पता लगने के बाद तो मैंने गब्बर को भी मार दिया, और उनका प्लान कुकड़ू को खुद सुनकर आया था हॉस्पिटल में कालादी गैंगस्टर के मुंह से। अच्छा कालादी गैंगस्टर का प्लान था ये? पर वो क्यों अलग करना चाहता है हमें, वो तो मेरी सिस्टर का पति है। क्योंकि उसको पता है हम दोनों को साथ में कोई नहीं हरा सकता। चलो मेरे दोस्त मेरे साथ वापिस अपने कर्ण अर्जुन की जोड़ी बनाते हैं और पोसाइडन को किंग बनाते हैं इरेंगल का। पोसाइडन किंग बनेगा सच में? बाद में बदलेगा तो नहीं ना तू? हाँ मेरे दोस्त, पक्का वादा, बाई बाई वाला, चलो चलते हैं।
अबे यहाँ तो है ही नहीं वो पोजीडन, अब कहाँ ढूंढूं उसको। मैंने तो यहीं मिलने को कहा था, चलो वेट करते हैं यहीं, आ जाएगा नूबड़ा। बोल रहा था उसकी पावर्स फास्ट है, पर पहुंचा पहले मैं यहाँ पर। ये उस फैरो ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं उसकी गलती की सजा भी दूंगा उसको। गब्बर सच में बहुत अच्छा बंदा था यार, बहुत याद आएगी उसकी। मुझे तो टेरर की फिक्र है, पता नहीं वो बेचारा क्या करेगा अकेला। मैं क्या कहता हूँ बोस, आप उसको बोलकर कुछ दिन छुट्टी पे भेज दो अपने गन्ने के खेतों में। टेरर को सदमा लगा है, उसकी और गब्बर की जोड़ी जो अलग हो गई। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे टेरर का दिल खुश हो सके। और वो उसका सिर्फ लड़कियां देखकर होता है, उन पे लाइन मारने में एक्सपर्ट है वो। उसके लिए तो दिल खुश करने का यही सही तरीका है। नहीं, वो खुश होगा फैरो को मरा देखकर। उसकी एक्स सूट गैंग को अब मैं खत्म करूंगा, वादा है काला दी गैंगस्टर का। फैरो तेरा आखिरी टाइम शुरू, काला दी गैंगस्टर आ रहा है तेरी तरफ। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। बेटा इतना दम तो तेरे बाप में नहीं है जो मुझे रोक सके। किधर है वो तुम्हारा फैरो, बाहर निकालो उसको। अच्छा तो चूजा बिल में छुप गया है बाप को देखते ही। चलाओ गोली अगर दम है तो। अगर एक की भी गोली ने मुझे थोड़ा सा भी टच किया ना, कसम AWM देवता की सबकी पेटियां आसमान में चमकेगी। मारो ए, कुछ नहीं कर सकता ये काला दी गैंगस्टर नूबड़ा। पता चला कौन नूब है और कौन प्रो। चले सनी देवल, साले को फिर देखेंगे, पता नहीं कहां छुप गया आज तो। क्या कह रहे हो, वीकेंडी में भी तबाही होगी। चलो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ये भी। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो व्हाट्सएप पे शेयर करके, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ग्लोब गेमिंग को। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, और हमारे पेज को फॉलो कर लेना फेसबुक पे अगर GTA 5 की वीडियो देखनी है, और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना वीडियोज की अपडेट्स के लिए। तो चलो बाय बाय टाटा। Smelling like Versace, Gucci, Jay-Z, FBI, so rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.